हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ा था, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में और एक बार आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आगे कुछ डेफिनेशन है जो कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर देगा, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का चलिए हम लोग डेफिनेशन और एक बार जान लेते हैं। देखिए, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो कि एम क्रॉस एन का है, मतलब इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, एम क्रॉस एन। ओके, तो देखिए, इफ एम इज इक्वल टू एन देन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ओके, एम क्रॉस एन साइज का, तो अगर एम इक्वल टू अगर एन हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि मान लीजिए कि 2x2 होगा, फिर 3x3 होगा, मतलब ऐसे ही होगा, मतलब एम इक्वल टू एन अगर हो जाएगा तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो अगर किसी मैट्रिक्स का जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर जीरो हो गए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, देखिए बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए ये एक 3x3 का एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये देखिए ये डायगोनल होगा इसका, ये डायगोनल होगा। ओके, ये जो एलिमेंट है 1, 2, -1 ये बनता है इसका डायगोनल। ओके, ये है इस मैट्रिक्स का डायगोनल। ओके, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट से, मतलब डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट है वो अगर सारे जीरो हो गए तो उसके उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, तो वहां पे देखिए कि डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो डायगोनल है वो भी मतलब सारे जीरो है तो भी वो मैट्रिक्स डायगोनल होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डायगोनल नहीं देखना है, हम लोगों को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखना है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तो हम लोग उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को क्लियर हुआ है। तो अभी हम लोग और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ओके, तो उसका, ठीक है, मतलब किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है, उस डायगोनल का जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का अगर हम लोग सम निकाल दें तो वो क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1, 2 एंड -1, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1+2+-1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है इसका ट्रेस क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके लिए ट्रेस क्या हो गया, 2। लेकिन ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स ना हो, मतलब यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर नॉन जीरो कुछ हो, तो फिर भी अगर हम लोग उसका ट्रेस निकालेंगे तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को ही हम लोग जोड़ेंगे, मतलब उनका ही सिर्फ सम करेंगे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा सम करने के बाद वही हो जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रेस। ओके, तो अभी चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए एंड बी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, तो उन दोनों का अगर हम लोग एडिशन लेके ट्रेस ले तो वो इक्वल किससे होगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी से। ओके, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ओके, अभी देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ के इंटू ए, मतलब के क्या है यहाँ पे स्केलर, वो क्या होगा, इक्वल टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए होगा। ओके, तो अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर उसका ट्रेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू वो स्केलर इनटू उस मैट्रिक्स का ट्रेस। ओके, तो ये बेसिकली ट्रेस ऑफ के इनटू ए, मतलब के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ट्रेस ऑफ ए। ओके, तो चलिए अभी हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए कि क्या है कि तीसरा प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो हमारे पास अगर कोई दो मैट्रिक्स होगा ए एंड बी, ठीक है, तो ए बी अगर आप लोग लेंगे, मतलब ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप लोगों को ए बी मिले एंड बी के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप लोगों को बी ए मिले, तो इन दोनों का ट्रेस क्या होगा, इन दोनों का ट्रेस
इक्वल होगा, इन दोनों का ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके तो अभी चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं कि चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ ए मतलब किसी एक मैट्रिक्स का, ओके स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस जो होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके भी उसका ट्रेस सेम ही रहेगा, अलग नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप लोग अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं ओके जिसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप लोग ट्रांसपोज लेंगे तो डायगोनल में ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज भी लेंगे आप लोग तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स डायगोनल में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि ट्रेस ऑफ ए मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। ओके तो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा वो दोनों सेम ही होगा। ओके तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे 2x2 लिया है मैंने, यहाँ पे 3x3, 4x4, 5x5 ऐसे करते करते n x n तक हो सकता है। ओके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या खासियत है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब उसमें डायगोनल को छोड़ के मतलब सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने 2x2 के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा तो उसमें देखिए डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ओके तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन उस मैट्रिक्स में खासियत क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे वन होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ओके लेकिन अगर डायगोनल होगा तो आइडेंटिटी होगा, ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोल सकते। ओके और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे वन होंगे। ओके तो ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन है अभी की स्केलर मैट्रिक्स। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। ओके तो अगर जो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स का वो अगर सेम हो जाए देन वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ओके मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक लू, देखिए ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कोई सा भी हो ठीक है, तो उसमें तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो ये मैं 3x3 के लिए ले रहा हूं, तो 0 0 0 यहाँ पे 0 0 0। तो अभी मैं डायगोनल का एलिमेंट लूंगा तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे वो सारे सेम होंगे। ओके सारे सेम होंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स का किसी कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसका जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो अगर सारे सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ सकते हो कि एक स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा कि नहीं ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे जगह पे वन होता है डायगोनल में, बाकी सब जीरो होते हैं। तो क्या होता है कि सारे अगर डायगोनल में वन होंगे तो वो भी तो मतलब सेम ही है एलिमेंट, वन सारे वन मतलब तो डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। ओके तो सारे जो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अलग अलग साइज के लिए। ओके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा कि नहीं ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ओके तो स्केलर मैट्रिक्स का जो बात है वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। ओके अभी चलिए हम लोग देखेंगे पावर ऑफ मैट्रिसेस। ओके जैसे कि हमारा कोई भी मतलब वेरिएबल होता था एक्स, तो उसके पावर में हम लोग लिखते थे 2, तो एक्स का पावर क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। फिर अगर हम लोग एक्स के पावर में 3 लिखते थे तो एक्स का पावर 3 हो जाता था। ऐसे ही अगर हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर पावर लेंगे तो वो हम लोग मतलब वो मैट्रिक्स का पावर हो जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए इक्वल टू एन क्रॉस एन का, तो बेसिकली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके तो देन क्या होगा, पावर ऑफ ए आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो जो पावर्स ऑफ ए है, ओके यहाँ पे पावर्स ऑफ ए होगा, पावर्स ऑफ ए आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो पावर्स ऑफ जो ए है उसको हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए। मतलब अगर हम लोग ए स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं मतलब ए का पावर 2, तो क्या करेंगे हम लोग ए के साथ ए का मल्टीप्लाई करेंगे।
सिमिलरली ए थ्री मत सॉरी ए क्यूब अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर के साथ, मतलब यहाँ पे तो ए स्क्वायर इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, फिर ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम लोग को ए स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग ए टू द पावर एन प्लस वन फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, ए एन के साथ मतलब ए टू द पावर एन के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ओके तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने लिया था ए, तो उसका जो पावर है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। ओके जहां पे ए जीरो क्या है, ए जीरो इक्वल टू आई, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो ये हुआ हमारा पावर ऑफ मैट्रिसेस। ओके तो अभी चलिए हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके तो जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल होता था ना, पॉलिनोमियल होता था कि ऐसा कुछ ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन। ओके तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, तो हम लोग कुछ इस तरह से क्या लिखते थे, पॉलिनोमियल को लिखते थे। ओके तो इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम लोग एक्स के जगह पर अगर हम लोग ए मतलब एक मैट्रिक्स को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैट्रिक्स सॉरी यहाँ पे हम मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल को राइट किया है, लिखा है मैंने, ठीक है। तो सिर्फ एक्स के जगह पर अगर आप लोग एक मैट्रिक्स ए अगर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, ए जीरो प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन ए टू द पावर एन। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके तो क्योंकि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्यों कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल बेसिकली मैट्रिक्स का ही है। ओके क्योंकि हम लोग एक्स के जगह पर मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, मतलब ए एक मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे एक्स के जगह पर रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारा बनता है क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके मैट्रिसेस, तो यहाँ पे एक थिंग है, मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ओके एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ओके तो उसको कहा जाएगा इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर। ओके इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर, दोनों का मीनिंग सेम ही है, इफ देयर एग्जिस्ट्स ए मैट्रिक्स बी, अगर वहां पे एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे, और बी कैसा होना चाहिए, सच दैट देखिए कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, मतलब बी ऐसा एक मैट्रिक्स हो, ओके जिसके साथ अगर हम लोग ए का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा कुछ बी अगर हमारे पास होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। ओके तो फिर से चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ओके तो एक मैट्रिक्स ए को हम लोग कहेंगे इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर अगर वहां पे एक मैट्रिक्स बी ऐसा एग्जिस्ट करे जैसे कि हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। ओके जहां पे आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए इनवर्स। ओके तो जो ए का इनवर्स हो जाएगा वो क्या होगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके तो मैं आशा करता हूँ कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो बात है वो आप लोगों को समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू आई भी होना चाहिए और बी ए इक्वल टू आई भी होना चाहिए। ओके तो दोनों केस ही यहाँ पे होना चाहिए तभी हम लोग कह सकते हैं कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके तो अभी हम लोग एक और एक टाइप का मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब दो टाइप होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं। चलिए देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू यहाँ पे एन क्रॉस एन का मैंने एक मैट्रिक्स लिया है इज अपर ट्रायंगुलर और सिंपल ट्रायंगुलर इफ ऑल एंट्रीज बिलो द डायगोनल आर इक्वल टू जीरो। ओके तो एक मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अगर जीरो हो तो। तो यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि ये है थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स और ये है इसका डायगोनल, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, फाइव माइनस वन टू। तो इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये क्या है, हमारा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या है, देखिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू यहाँ पे एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स ए मैंने लिया है इज लोअर ट्रायंगुलर इफ ऑल एंट्रीज अबव द डायगोनल आर इक्वल टू जीरो।
ओके okay. तो अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो जिसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास जिसका जो मतलब ऑल द एंट्रीज अबव द डायगोनल मतलब डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अगर जीरो हो तो वो हमारे पास क्या होगा, ये मतलब वो क्या होगा हमारा एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. ओके okay, मतलब उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे लोअर ट्राइंगुलर. ओके तो चलिए हम लोग और एक बार समझते हैं कि एक मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्राइंगुलर कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर जीरो होंगे तो. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखिए कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थ्री, मतलब इसका साइज 3+3 हम लोग कह सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो क्या है 1, 2, 5. तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. ओके तो अभी आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि सर अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो है डायगोनल को छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स है वो जीरो है, तो ये मैं 3+3 के लिए दिखा रहा हूं, जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये एक 3+3 का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो है. तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर कहेंगे या लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे? तो आप लोग इसको बोथ मतलब दोनों ही कह सकते हो, या तो आप लोग अपर ट्रायंगुलर कह सकते हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर भी कह सकते हो, दोनों ही आप लोग कह सकते हो क्योंकि दोनों कंडीशन ही तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है. ओके तो मैं आशा करता हूं कि ये जो दोनों बात है ये आप लोग को समझ में आया है. तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके देखिए, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके तो हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके तो अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स एंड उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो अगर इक्वल हो गए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके तो एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों ही अगर इक्वल अगर होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2+2 के लिए. देखिए ए इक्वल टू 1, 2, 2, 3 2+2 का एक मैट्रिक्स है. अगर हम लोग एक ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 1, 2, 2, 3 सेम आ रहा है. तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 80 हो रहा है, मतलब ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उसको अगर हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिखे ए आई जे ए जे आई तो क्या होगा, देखिए कि फॉर ऑल आई जे आई जे के लिए क्या होगा कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा. ओके तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है. अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट हम लोग जो टॉपिक है लास्ट आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं. चलिए तो स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट एंड जो फाइनल टॉपिक है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है. मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके तो इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो देन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज निकाल के अगर उसके साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -A ट्रांसपोज ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स को मतलब ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके मतलब ए आई जे इक्वल टू -AJI होगा फॉर ऑल आई जे. तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक थोड़ा सा मतलब और एक चीज है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा. देखिए अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे के फॉर्म में है, ए आई जे के फॉर्म में, और ये मान लीजिए कि एन क्रॉस एन का है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास ए जे आई के फॉर्म में आ जाएगा, ए जे आई के फॉर्म में जो भी एन क्रॉस एन का होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू -A ट्रांसपोज हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कि ए आई जे एन क्रॉस एन जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा -AJI n क्रॉस n हो जाएगा इक्वल टू इससे. तो अगर यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा ए आई जे इज इक्वल टू -AJI. ओके तो यही मैंने यहां पे लिखा है. ओके तो ये तो फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए होगा, ठीक है. तो यहां पे देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे मतलब जहां पे आई इक्वल टू जे होगा तो वहां पे क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे हम लोग जे के जगह पर आई लिख दिए क्योंकि आई इक्वल टू जे होगा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए. तो यहाँ पे क्या हो गया ए आई आई इज इक्वल टू -AII. तो -AII को हम लोगों ने इस तरफ ले लिया तो क्या आ गया 2AII इज इक्वल टू 0. तो AII इज इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल आई. तो यहां पे बात क्या है कि
जो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वो सारे जीरो होंगे। आई मीन्स A11, A22, A33, A44 ऐसा एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होना चाहिए। ओके, तो अभी यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। ओके, तो ए इक्वल टू क्या है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए यहां पे डायगोनल सारे जीरो ही है, तो ये 0, 1, 2, -1, 0, -2, -2, 2, 0। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखिए डायगोनल तो एज इट इज सेम रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, -1, -2, 1, 0, 2, 2, -2, 0। मतलब रो जो है वो कॉलम्स में आ जाएंगे और कॉलम्स रो में चले जाएंगे। ओके, तो अभी अगर हम लोग -80 करेंगे, मतलब -A ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, -0, -2, -2, 0, -2, 2, 0। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, आप लोग अभी देख सकते हो कि ए जो मैट्रिक्स है और जो -A ट्रांसपोज जो है ये दोनों सेम है, तो ए इक्वल टू -80 हो रहा है। तो ये अगर हमारा कंडीशन है तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिस्कशन था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। ओके, तो यहाँ पे जो बात है कि अगर आप लोगों को कोई भी मतलब क्वेरी रहे इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। और जो बात है कि आगे देखिए, आप लोगों को शायद यहाँ पे दिखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट दिन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, अगर वीडियो के अंदर कहीं भी मतलब मेरे से अगर गलतियां हुई है, छोटा मोटा गलती हो जाता है कभी कभी, तो मुझे माफ कर देना। और अगर कोई मतलब बड़ा गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि सर आपसे ये गलती हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे मुझे मतलब खुद को इम्प्रूव करने की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।